वालेकुम अज़ीज़ तालब इलमोनी अहमद आपकी खदमत में हाजिर है चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स के साथ आज हम अपना सेक्शन जो कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे है उसको जारी रखेंगे और एक नए वनवान के साथ आपके साथ आ, थोड़ी सी बहस करेंगे आज का मौजू और आज का जो है वो सोशल एंड क्रिएटिव यूसज ऑफ लैंग्वेज है यानी हम माशरती एतबार से माहौली एतबार से और 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 जिद्दत के अतबार से और क्रिएटिविटी के अतबार से ज़बान का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करते हैं या बच्चे जो हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो ज़बान का इस्तेमाल जो है किस तौर से करते हैं और खासकर इसमें किस तरह से जिद्दत पेश करते हैं या पैदा करते हैं ये बड़ी ज़रूरी बड़ा ज़रूरी अमल है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो जब मुलवस होते हैं तो माहरीन उनको बड़े बहौर उनका मताल करते हैं ये जानने के लिए ज़बान जो है उसका मावली या माशरतीमल जो है वो किस तरह से है और हमारे में ये सलाहियत कब पैदा होनी शुरू हो जाती है कि हम अपनी तौर से नई अखतरा और नई जिद्दत जो है ज़बान के अंदर पैदा कर लेंगे सो तो आज का ओवर व्यू या जायज़ा उनवान का कुछ इस तरह से है कि हम बात करेंगे उस माली या मालियाती तजर्बे की जो बच्चे और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के दरमियान जो है वो मुमकिन होता है इसकी बुनियाद जो है ज़बान है यानी ज़बान की सूरत वो जो कि मुँह से अदा की जाए इसके साथ साथ यानी ज़बान की वो सूरत भी हो सकती है जिसके अंदर ज़बान को इस्तेमाल ना किया जाए या नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है वो लेकिन हम उसके बारे में आज आज के ऊनवान में बात नहीं करेंगे हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो वर्बल लैंग्वेज के ऊपर है या जबान से अदा हुई हुई जबान के बारे में इसके साथ साथ हम उन क्रिएटिव प्रोसेस या एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो बच्चा अपनी सूरत से जैसे जैसे वो जबान सीखता है बरू कार लाता है और फिर दूसरों के साथ बातें करने लग पड़ता है या उनके साथ किसी न किसी तरह से गुफ्तगु के अंदर मुल्व हो जाता है हम ये भी देखेंगे कि बच्चा जो है ज़बान जैसे वो बढ़ता है वो सीखता कैसे कौन कौन सी स्टेज़ या कौन कौन से दर्जों में से गुज़रता हुआ पीरियड्स में से गुज़रता हुआ जबान को सीखता है फिर हम ये भी देखेंगे शुरू में बच्चा जो है वो सादी सादी सी जबान सीखता है और फिर उसकी ज़बान जो है वो ज़्यादा पेचीदा होनी शुरू हो जाती है ऐसी ज़बान हो जाती है जैसे कि एक बड़ा इंसान या बड़ा आदमी जो है उस जबान का इस्तेमाल करता है आइए उन उन सवालों की तरफ एक छोटी सी तोज्जो कर लें जिनको मैं कहा करता हूँ कि अपने पस मंज़र में रखें जब भी अपना कोर्स या अपना उनवान जो है उसको स्टडी करें या इस लेक्चर को सुने तो ये आज के सवालत ये हैं कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से सिम्पल फॉर्म से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में तब्दील हो जाती है और दूसरा सवाल ये है कि जो शुरू में सीखी हुई जबान होती है वो बाद की सीखी हुई ज़बान से किस तरह से मुख्तलिफ होती है यानी ज़िंदगी के शुरू के हिस्सों में जो ज़बान होती है उसकी नोईयत क्या होती है और ज़िंदगी के बाद के हिस्सों में जो ज़बान सीखी हुई होती है उसकी नोईयत जो है वो क्या होती है सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो है ज़बान की तरफ ध्यान यानी वो तैयारी जो बच्चा ज़बान को सीखने के लिए जिसमें मुलविस हो जाता है छोटा बच्चा जो नौजायदा है जो फिलफौर पैदा हुआ है वो ध्यान देता है और तवज्जो देता है और तैयार हो जाता है ज़बान को सीखने में बहुत सारे तजुर्बों ने इस बात को साबित किया है ख़ास कर इंसानी तजुर्बा ने कि बच्चे जो हैं वो इंसानी जबान या ह्यूमन स्पीच को ज़्यादा तवज्जो देते हैं दूसरी आवाज़ों की नस्बत यानी अगर कमरे के अंदर पंखे की आवाज़ है पंखा चल रहा है और उसकी आवाज़ आवाज़ आ रही है तो बच्चा उस आवाज़ को इतनी तवज्जो नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर से कोई अल्फाज जो है वह नहीं निकल रहे लेकिन बच्चा जो है अगर कोई कमरे में बात कर रहा है उसकी तरफ बगौर सुनेगा और उसको तवज्जो देगा क्योंकि वो ऐसी आवाज है जिसको बच्चा जो है वो सुन सकेगा और कर सकेगा इस जमन में कि बच्चा तैयार है ज़बान को सीखने के लिए अमूमन माएँ जिसके बारे में हमने एक और में बात की थी एक ज़बान जिसे मदरीज कहा जाता है इस्तेमाल करती हैं जैसे लाड प्यार में आके माएँ या बाप अपने बच्चों के साथ जो कि अभी ज़बान नहीं बोलते अजीब व गरीब मोहमल अफाजों पर मुश्तमिल एक ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आवाज़ों का आवाज़ों पर ज़ोर ज़्यादा होता है और फेशियल एक्सप्रेशन मुंह के चेहरे के तसर के ऊपर ज़ोर ज़्यादा होता है कम्पेर्ड तो टू एक लैंग्वेज जो है उसके साथ उस बच्चे के साथ जो है बोली जाए तो इससे ये जाहिर होता है और बच्चा उससे बहुत महजूज़ होता है जब वरह की आवाज़ों को सुनता है और इस तरह की आवाज़ों को आ, समझने की कोशिश करता है तो वो उनकी तरफ मुतवो उनकी तरफ तोज्जो देता है वजह इसके कि वो और नॉन लिंग्विस्टिक साउंडस की तरफ तोज्जो जो है वह दें फिर बच्चा जो है उस सूरत में तैयार हो जाता है ज़बान को सीखने के लिए जिस वक़्त उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए कि वो आवाज़ों में तफरीक कर सके ख़ासकर हरूफ तहजी से निकली हुई आवाज़ें फोनीटिक साउंडस को तफरीकने में तैयार हो जाए मसला आवाज़ अगर नून की साउंड है नून की आवाज़ है और मीम की आवाज़ है ये आवाज़ें करीब करीब हैं एम और एन साउंड्स जो हैं वो करीब करीब हैं इसी तरह नून और मीम की आवाज़ करीब करीब है तो बच्चा जो है इसकी तरफ इतनी तोज्जो नहीं देता लेकिन अगर आवाज़ नून की हो और फिर पे की हो तो ये दो ऐसी आवाज़ें हैं जो बिल्कुल फ़र्क फरक हैं जिसकी जिसकी बुनियाद के ऊपर बच्चा जो है वो इन दो आवाज़ों के दरम्यान फ़र्क बता सकता है और, 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 और सुन सकता है इस डिस्क्रिमिनेटरी पावर की वजह से इस इस तफरीक की वजह से बच्चा जो है वो इस बात की दलील यात पेश करता है कि वो तैयार है जबान को सीखने के लिए फिर अजीब गरीब बात है बेशुमार बेशुमारबानों के हम शुमारियाती तजिया करते होते हैं यानी कोई भी आप ज़बान ले लें एक ज़बान तो है ही और उसके अंदर कम्यूनिकेशन जो है वो बिल्तिन है और फिर उसके माने भी हैं यानी जापानी ज़बान ले लें ले ले और उर्दू ज़बान ले लें ले लेकिन अगर आप इन दोनों जबानों का एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम दोनों जबानें जो हैं एक रूल के ऊपर बेस्ड है एक स्टेटिस्टिकल रूल पे या एक लर्निंग के रूल पर बेस्ड है तो बच्चा जो है वो दरअसल हैरानकुन तौर पर तैयार होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं कि वो उस स्टिस्टिकल एनालिसिस की तरह जबान को और उनके रूल्स को समझने की या कम से कम ध्यान देने की तरफ मायल हो जाता है जिससे ये जाहिर होता है कि बच्चा जो है तैयार है ज़बान को सीखने में आखिर में जाहिर है बच्चा जो है वो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के लिए हमेशा खा रहता है कि उसके साथ कोई बात करे और जब वो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच होती है जैसे मदरीज है या और भी कोई जबान है तो बच्चा जो है उस तरफ मतवजो होता है ये बताने के लिए कि वह तैयार है ज़बान को सीखने के लिए बच्चा तकरीबा जब दो माह का होता है तो वो ज़बान को अदा करने की कोशिश में मुबतला हो जाता है वो ज़ाहिर है ज़बान का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता मगर अपने मुंह से कुछ आवाज़ें जो है वो निकालना शुरू कर देता है जिसको हम अंग्रेज़ी जबान में कुइंग कहते हैं कुइंग ऊ करना आ करना ये आवाज़ें जो हैं निकलनी शुरू हो जाती हैं शुरू शुरू में ये आवाज़ें जो होती हैं ये वाओ साउंडस होती हैं सॉफ्ट साउंडस होती हैं जैसे कि साउंड हो ए की साउंड हो या ई e की साउंड हो या आई की साउंड हो या ओ की साउंड हो या यू की साउंड तो ये सारी वाओ साउंडस जो हैं कुइंग के अंदर आ, बच्चा जो है अदा करता है यूजली बच्चा जो है एक ही आवाज़ निकाल रहा होता है जैसे ई करता चला जाएगा तो एक वाउल साउंड जो है उसको पैदा करेगा उसके बाद जब बच्चा चार माह का हो जाता है तो वो बैबलिंग साउंड्स जो है वो बना रहे उसमें वूमन दो साउंड्स जो है वो प्रोमिनेंट होती है जैसे वो बा बा, बा, बा कहना शुरू कर देता है तो उसमें बी की भी आवाज़ है यानी बे की भी आवाज़ है और अलिफ की भी आवाज़ है तो दोनों वाउ साइनस और कॉन्सोनेंट साउंस जो हैं वो पैदा बच्चा जो है वो करनी शुरू कर देता है अब उसमें एटलीस्ट एबिलिटी पैदा हो गई है सुनने के साथ साथ यानी वो सुन तो सकता है और किसी हद तक ज़बान को समझ भी सकता है चार महीने का बच्चा लेकिन उसमें ये अहलीयत मौजूद नहीं होती कि वो ज़बान को जो है वो इस्तेमाल कर सके क्योंकि उसकी बेशुमार चीज़ें जो हैं अभी तैयार नहीं होती हैं दिमाग में वो तमाम सर्किट्स जो हैं जिन्होंने उस उस बच्चे में अहलीत पैदा करनी है कि वो बात कर सके वो पैदा तैयार नहीं होते उसके गले के अंदर जो साउंड बॉक्स है उसके अंदर मच्योरिटी जो है वो नहीं होती और और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी नापुख्ता होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जबान नहीं सीख सकता आहस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटी ये काबिलियत ये अहलीत जो है बढ़नी शुरू हो जाती है और बच्चा जो है उसको उस जबान को सीख लेता है ये अजीब सी बात है कि कूंग की और बैबलिंग की जो स्टेज है वो तमाम बच्चों में जितने भी बच्चे इस दुनिया में रहते हैं तमाम माशरों में तमाम जितनी ज़बान सीखते हैं तकरीबन बराबर है दो महीने के बच्चा जो है वो अगर रूस में भी होगा तो वो कोइंग कर रहा होगा और अगर चार महीने का बच्चा तो वो बैबलिंग कर रहा होगा चाहे वो रूस में हो तो चाहे वो पाकिस्तान में हो कोई फ़र्क जो है वो नहीं होता तो ये यूनिवर्सल टाइमिंग जो है कुइ की और बैबलिंग की एक इस बात की निशानदेही करती है कि गालिबा बायोलॉजिकल प्रोसेस ब्रेन के अंदर जो है मौजूद हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है उस जबान को सीख रहा है ऐसा ऐसा बच्चे के अंदर कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है इस रेंज को बढ़ाने में जिसमें उसकी अदायगी लफ्ज़ों की अदायगी जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है वो पहले से बेहतर अंदाज से उस चीज़ को बयान कर सकता है और वो बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकता है इस चीज़ को हम देखते हैं जब बच्चा तकरीबन एक बरस का जो है वो हो जाता है एक बरस का बच्चा जो है वो बड़ा एफेक्टिव कम्यूनिकेटर हो जाता है वो अपनी बात को समझा सकता है बावजूद इसके कि उसके पास अभी अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद नहीं है लेकिन बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अप बड़ों को वो अपने अंदाज़ से समझा सकता है मसलन बड़े जब भी एक साल के बच्चे के आसपास होते हैं और उससे बात करते हैं तो अमूमन बच्चे और बड़े जो हैं वो किसी एक चीज़ की तरफ मतवजो होते हैं उनका कोई जॉइंट वेंचर होता है किसी एक चीज़ की तरफ़ देखने के लिए या तवज्जो देते हैं वो एक चीज़ की तरफ और उस तवज्जो को देते हुए वो बुनियाद बनाते हैं आपस में कम्युनिकेशन की या लैंग्वेज एक्सचेंज की जिसकी बुनियाद पर वो एक दूसरे को समझ सकते हैं अमूमन ये अमल जो है गिव और टेक के साथ होता है कि कुछ लिया कुछ दिया जिसकी वजह से तोज्ह जो है बच्चे की और बड़े की वो उस चीज़ की तरफ मबज़ूल होती है और उसके साथ साथ ज़बान के आ जाने का आ, आ, जो है वो अमल जो है वो जारी हो जाता है एक साल का बच्चा या सवा साल का बच्चा जो है वो प्रीवर्बल जस्चर्स के अंदर से गुजरता है इससे पहले कि वो अदा कर सके अपनी जबान को प्रीवर्बल जस्चर्स दो किस्म के होते हैं एक जो है उनको हम प्रोटोडिक्लेटिव जस्चर्स कहते हैं जिसके अंदर बच्चा जो है सिर्फ निशानदही करता है किसी ऑब्जेक्ट की और फिर उसका नाम भी लेता है बॉल कहता है और बॉल की तरफ इशारा करता है और प्रोटो इम्पेरेटिव जस्चर्स जो हैं वो वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसने कुछ कुछ कहना होता है कुछ ऑर्डर देना होता है कि ऐसा करो जैसे वो कह दे कार तो कार का मतलब ये नहीं है वो इशारा भी करे कार की तरफ कार का मतलब ये है कि मुझे लो उठाओ गोद में गाड़ी में बिठाओ और फिर मुझे सैर के लिए लेके जाओ तो ये एक हुक्म है जो कि वो सादर कर देता है एक बड़े के लिए कि ये करके दिखाओ तो उसके अंदर निशानदेही जो है वो मुख्त ये प्री वर्बल जेस्टर्स होते हैं जिसके अंदर जबान का इस्तेमाल बहुत कम होता है इशारों का इस्तेमाल होता है इस बात को बताने के लिए बड़ों को कि मैं ये चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ तो उसके बाद लफज और जस्चर्स इशारे और किनारे और लफज जो है वो आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये देखने में आया है कि जस्चर्स जो हैं वो कम होते चले जाते हैं जबान का इस्तेमाल बच्चे के अंदर बढ़ता चला जाता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हम देखते हैं कि जबान के ऊपर कुछ देर के बाद हावी हो जाते हैं इस सारे अमल में बच्चा और बड़ा यानी माँ या बाप या नगहदाश्त देने वाला शख्स जो है जो उसके पास है जो उसको जबान सिखा रहा है उसका बच्चे के साथ इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर आ, आ, बहरे होते हैं और सुन नहीं पाते और अगर उनके माँ बाप बोलने वाले हों तो ऐस इसके नतीजे में माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के साथ बेहतर ताल्लुक़ जो है वो नहीं बना बना सकते यानी ये ये यूँ ऐसे है कि चूंकि माँ बाप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं बोल सकते हैं वो बच्चे को निगलैक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहरा होता है और बात नहीं कर सकता सुन नहीं सकता इसलिए बात नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में माँ बाप के दरमियान और बच्चे के दरमियान जो है वो ज़्यादा फ़र्क जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है उसके अंदर ये ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि वो जबान को पिक नहीं कर सकता अमूमन ऐसी सूरतों में नफसियात दान और माहरीन जो है वो कहते हैं कि बच्चे को आप ऐसे स्कूल में दाखिल करा दें जहाँ पर इस जो हैं वो बहरे हों या गे हों ताकि वो उस बच्चे के साथ बात कर सकें चाहे वो इशारों की जबान से बात करें इस, इस सूरत में ये भी देखा गया है कि वो बच्चे जो बहरे हों और उनके मां बाप भी बहरे रहे हों तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहरे मां बाप जो हैं अपने बहरे बच्चे के साथ बार बार बात कर सकते हैं और हाथ के इशारों से बात कर सकते हैं इसलिए बच्चा जो है वो माहौल के अंदर मुल्व हो जाता है और उसके नतीजे में زبان को सीख लेता है आस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है कि वो आवाज़ों का फ़र्क जो है वो वो बयान कर सके वो हरूफ तहजी की बुनियाद पर जो आवाज़ें हम अदा करते हैं ज़बान के अंदर अलिफ़ पे ते से या अंग्रेज़ी में ए बी सी डी इन आवाज़ों को वो आहिस्त आहिस्त जानने लग पड़ता है या उनको समझने लगता है या उनसे शनाश शनाशा होने लग पड़ता है जिसकी वजह से उसके अंदर काबलीत पैदा हो जाती है कि वो ना सिर्फ उनको समझ सके कॉम्प्रह कर सके बल्कि अदा भी कर सकें शुरू शुरू में बच्चा जो है ख़ासकर जब वो एक साल के करीब का होता है तो वो सिर्फ़ एक लफ्ज जो है वो अदा कर सकता है उसके पूरा उसका पूरा जुमला जो है वो एक लफ्ज पर मुश्तम होता है जैसे वो ये कहे कार तो मुझे कार में लेके जाओ या वो कहे आ, कैंडी या कहे टॉफी तो इसका मतलब है मुझे टॉफ़ी ला के दो या चॉकलेट ला के दो और इसी तरह से ये बतदरीज अर्ली स्टेज में से एक लफज से दो लफ्ज़ों के अंदर उसकी लैंग्वेज जो है वो बननी शुरू हो जाती है इसके अंदर ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये रिलेट करता है सीमेंटिक डेवलपमेंट के साथ यानी बच्चा सिर्फ ना सिर्फ एक लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है या दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वो आ, ये ये जान रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है सीमेंटिकली लफ्ज समेंटिक का मतलब है जबान की समझ तो वो माने अखज कर रहा है उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए और वो उस उस लफ्ज़ को लेकर आगे को बढ़ रहा है अपनी फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर या अपनी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी उसकी समझ और बूझ में इजाफा होता चला जाता है वो बहुत सारी फोनोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करता है ना सिर्फ लफ्जों को समझने के लिए बल्कि उनको अदा करने के लिए और ये एक तरह की मशक होती है जिसके अंदर से वो गुजर कर बेहतर जबान को इस्तेमाल कर सकता है बाद में जाहिर है ये तमाम जो साउंड हैं फोनोलॉजिकल साउंड्स हैं लफ्ज़ों के सिलेबल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो सिलेबल्स जो हैं वो फिर वो इस्तेमाल करता है या उनके उनसे मान्य अखज करते हुए उनको इस्तेमाल करता है और ये प्रोग्रेस आगे को बढ़ती चली जाती है मसल शुरू शुरू में वो थोड़े लफ्ज इस्तेमाल करता है और ज़्यादा साउंडस जो हैं उनको इस्तेमाल करता है फिर उसके अंदर काबलीत पैदा हो जाती है कि वो कॉन्सनेंस को आखिर में इस्तेमाल करना जो है वो सीख लेता है यानी ये साउंड ऐसी होती हैं जो असूला आ, कम अज कम अंग्रेजी जबान में बच्चे के लिए अदा करनी मुश्किल होती हैं यानी अगर बच्चे को कहा जाए कि लफज कहो आ, मामा जिसके आखिर में ए साउंड है जो वाउल है ये कहनी आसान है बजाय इसके कि लफज कहा जाए कार इसलिए कार का, का कहना जो है वो मुश्किल है मामा का कहना जो है वो आसान है और वो सेलबिक साउंड भी है इसलिए उसको अदा करना जो है वो आसान हो जाता है इसके साथ साथ वो वाउल साउंड को भी एडजस्ट करना शुरू कर देता है उसके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाती है कि वो वाउल्स के ऊपर कितनी देर ठहरना है कितनी देर रुकना है कितना स्ट्रेस डालना है वो भी सीख लेता है कौन से सिलेबल्स हैं जो अंडर स्ट्रेस्ड हैं कौन से सिलेबल्स जो हैं वो ओवर स्ट्रेस हैं उनको भी वो सीख लेता है ये उम्र तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल से लेकर दो साल के दरमियान है जिसके अंदर ये प्रोग्रेस जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे को बढ़ रही होती है इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि इस वक्त भी बच्चे की जबान जो है वो पूरी तरह से बनी नहीं होती और उसको वक्त दरकार होता है कि वो अपनी ज़बान को अपनी आवाज़ों को अच्छी तरह से रिफ़ाइन कर ले साफ कर ले ताकि वो बेहतर तौर पे ज़बान का इस्तेमाल जो है वो कर सके जब भी कोई ज़बान सीखी जाती है तो उस जबान को सीखने में दो अमल जो है हमेशा क़ार होते हैं किसी भी ज़बान को सीखने में चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है पहले जबान की समझ जो है वो पैदा होती है और उसके बाद ये काबिलियत पैदा होती है कि आप ज़बान को अदा कर सकें सो तो वो बच्चा जो तकरीबन साल भर का है वो ज़बान को सुन रहा है औरों की मुँह जबान से मगर वो ख़ुद नहीं बोल रहा समझ उसको सारी आ रही है अगर आप कोई जुमला बोलेंगे तो बच्चा जो है वो समझ लेगा आपका हुक्म बजा ले आएगा कि जाओ अंदर से जाकर मेरे कमरे से एक मोमबत्ती ले आओ एक साल का बच्चा डेढ़ साल का बच्चा सवा साल का बच्चा जो है उस हुक्म को बजा ले आएगा वो जाके चीज़ भी उठा के ला के आपको दे देगा लेकिन उसमें ये अहलियत मौजूद नहीं होती कि वो ऐसा ही जुमला दोबारा खुद से बोल सके अमूमन माहरीन का ये ख्याल है कि कॉम्प्रीहशन में समझ में और जबान को अदा करने में तकरीबन पाँच माह का फ़र्क जो है वो मौजूद है जिस स्टेज के ऊपर बच्चा होता है और अभी समझ पा रहा होता है तो उसको अदा करने में उसको तकरीबन और पांच माह लग जाएंगे जब वो इस काबिल हो जाएगा कि वो उसको अदा करे अमूमन जो लफ्ज़ वो शुरू शुरू में सीखता है उनका ताल्लुक जो है ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ है बल्कि उसके जज्बात या उसके हिजान के साथ सो ऐसे लफ्जों के ऊपर वो खास कर तवज्जो देता है जिनसे वो अपने हिजान या अपने जज्बात का इजहार कर सके जब बच्चा तकरीबन डेढ़ साल का होता है या डेढ़ साल से दो साल तक का होता है तो एकदम यका यक उसकी उसके अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफा जो है होना शुरू हो जाता है और वो बड़ी जल्दी से लफ्ज़ों को और अशिया को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है इसको हम फैस्ट मैपिंग कहते हैं यानी यूज यू तस्वर करें कि दो साल का बच्चा जब पहली बार आ, आ, कोई नया कोई नई चीज़ देखता है तो उसका उसका नाम जो इस नई चीज़ का नाम वो बड़ी जल्दी उस चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेता है जब वो उसकी उम्र दो साल या ढाई साल के करीब होती है सो वो बड़ी जल्दी क्विकली अपने माहौल में जितनी पड़ी हुई चीज़ें हैं उनका नाम लेता है और उनको मैप करना शुरू कर देता है अगर आप इस स्लाइड को देखें ये ग्राफ है जो कि बता रहा है कि बच्चों के अंदर कॉम्प्रिहशन जो है वो बेतहाशा ज़्यादा होती है प्रोडक्शन की नस्बत तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आ, उस बच्चे की उम्र जो है उसको लिखा हुआ है आठ साल से लेकर सोलह साल तक और हमने वोकेबलरी जो है वो वाई एक्स पे शो किए और अगर आप देखें तो आ, ये दो जबानों का मुकाबला है अंग्रेजी ज़बान और अतालवी जबान इटालियन लैंग्वेज का है तो कॉम्प्रीहशन जो है वो बच्चों में बे बेशुमार ज्यादा है प्रोडक्शन की नस्बत तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रीह ज़्यादा करते हैं या पहले कर लेते हैं कंपेर्ड टू कि वो उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सके क्या वजह है बच्चे में कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो जबान को सीखता है तो बहुत सारे अनासर फैक्टर्स के ऊपर रोशनी डाली गई है ये देखने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे को जल्दी से लैंग्वेज सिखाने में मदद देती है पहली चीज़ जो देखने में आई है वो है जेंट्स जेंदर लड़कियाँ बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ जो हैं वो ज़बान को बहुत जल्दी सीख लेती हैं लड़कों की नस्बत कुछ खुदादा सालायत जेंडर के अंदर मौजूद होती है छोटी बच्चियाँ जो हैं वो जल्दी ज़बान पिक कर लेती हैं जल्दी ज़बान अदा करने लगती हैं लड़कों को नस्बता देर लगती है ज़बान को पिक करने में और ज़बान को अदा करने में फिर टम्परमेंट मिजाज कैसा है बच्चे का अगर बच्चे का मिजाज जो है वो वो खुशबाश है हस हंसमुख है तो उसको ज़बान सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती लेकिन अगर दिमाग चिड़चिड़ा है या मिजाज चिड़चिड़ा है तो फिर उस बच्चे को ज़्यादा देर लगती है ज़बान सीखने में इसके साथ साथ लैंग्वेज की इन्वामेंट कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है उसमें किस तरह की जबान जो है वो बोली जा रही अगर वो ज़बान कॉम्प्लिकेटेड है या उसका माहौल के अंदर बहुत सारी वकेबुलरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है तो यकीन बच्चा भी उसी तरह की वकेबुलरी और उसी तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है ज़बान की सीख लेगा लेकिन अगर आ, बड़ी सादा सी इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेट ज़बान नहीं बोली जा रही तो बच्चा भी जो है नॉन कॉम्प्लिकेटेड जबान जो है उसको सीख लेगा फिर लैंग्वेज का स्टाइल क्या है दो किस्म के स्टाइल होते हैं एक रेफरेंशल स्टाइल होता है और एक एक्सप्रेसिटाइल होता है ये दोनों स्टाइल बच्चा इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज़बान को सीखने में और फर्क होता है मसलन छोटी सी मिसाल है और अगर आप इस ग्राफ को देखें वो वो तमाम घाने या कुनबे जिनके अंदर जबान का इस्तेमाल शकील है और कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लफज जो हैं उसी तरह के इस्तेमाल करते हैं और या वो वही यूसेज में लेके आते हैं जैसे उनके घर वाले जो हैं इस्तेमाल कर रहे हो यानी लिटरेसी का लेवल जो है वो डिटरमिन करता है बच्चे की लैंग्वेजबिलिटी को कि वो जिस माहौल में पैदा हुआ बढ़ रहा है या फल फूल रहा है उसकी मुनासबत से वो लैंगवेज को सीख लेगा शुरू शुरू में जो लफज बच्चा सीखता है उनका ताल्लुक यूजली नाउन्स के साथ नाउंस का मतलब है इस्मों के साथ यानी कोई चीज़ देखी मेज़ देखा तो मेज़ का नाम सीख लिया तो क्योंकि मेज़ को देखा जा सकता है छुआ जा सकता है आ, तो इस वजह से उसका नाम लेना जो है आसान है बच्चे के लिए आसान है कि वो इस चीज़ को सीख ले जल्दी से इस तरह की चीज़ों को सीखना जो कि गैर ही हो जो कि जो जिनको छुआ ना जा सके वो बच्चे को सीखने के लिए मुश्किल में डाल देती हैं और कुछ वक्त लगता है इससे पहले कि बच्चा जो है वो आ, जबान को गैर मरी अशिया के लिए इस्तेमाल कर सके या ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सके जो नॉन टेंजबल किस्म के हों इसी तरह माँ बाप भी बच्चे के आसपास उन लफ्सों का इस्तेमाल नहीं करते जिनका ताल्लुक जो है एक्शन के साथ या वर्ब्स के साथ हो यानी आ, 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 बच्चे के लिए मेज़ कहना आसान है या उसके लिए कुर्सी कहना आसान है या सीख लेना या या माँ कहना आसान है या बाप कहना आसान है लेकिन बच्चे के लिए ये सीखना कि भागो तो ये वर्ब है ये एक्शन ड्रिवन है ये लफज जो है वो मुश्किल है और कुछ वक्त लगता है बच्चे को इस ये लफ्ज़ जो है सीखने में इसलिए माँ बाप भी उन अल्फाज का इस्तेमाल बच्चे के सामने नहीं करते जिन जो एक्शन ड्रिवन या वर्ब ड्रिवन जो हैं होते हैं हालतों के बारे में और कमी जो है वो वाकई यानी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स या इस तरह के अल्फाज जो होते हैं और देर के बाद बच्चे को जो हैं वो आ, सीखने को मिलते हैं और बच्चा जो है कुछ वक्त लेता का बड़ा हो के वो इन इन अल्फाजों को सीख सके जिस बच्चा ज़बान सीख रहा होता है और खासकर कर वह दे रहा होता है कि वो उस जबान को सीखने के, के दौरान माने की तरफ तोज्जो दे तो कभी कभार वो अंडर एक्सटेंशनस यानी वो चीज़ों को पूरी तरह से अदा नहीं करता जबान के अंदर और उसका मफहम जो है वो बिगड़ जाता है इसी तरह वो ओवर एक्सटेंशन भी कई दफ़ा कर देता है और 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 मफहम की माने जो हैं उसको ग्रामर के असूलों से बीन्ड इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर देता है बच्चा जो है इस दौरान में लफ्ज़ों को ईजाद भी करना शुरू कर देता यानी वर्ड कोइनेज जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है और साथ ही साथ वो मेटाफर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है मिसालों का इसतारों का तमसीलों का जिससे ये जाहिर होता है कि बच्चा जो है अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा जबान जो है उसको सीखने के लिए तैयार हो गया है अगर हम इस ग्राफ की तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ जो इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है अगर हम इस स्लाइड को देखें तो हम ये देखते हैं कि स्कूल जाने वाला बच्चा खासकर एलिमेंट्री स्कूल जाने वाला बच्चा उसके अंदर अल्फाजों का जख़ीरा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है यानी पहली ग्रेड के बच्चे का अगर आप अल्फाज का ज़ख़ीरा देखें तो वो तकरीबन दस हज़ार लफ्ज़ों पर मुश्तम है और अगर आप पांचवें ग्रेड के बच्चे की आ, के अल्फाज का ज़ख़ीरा देखें वो करीबन करीबन चालीस हज़ार अल्फाज पर मुश्तमल तो जिससे ज़ाहिर होता है कि बच्चे के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ लफ्ज जो है वो उसकी ज़बान में लेस होते चले जाते हैं और, और डेवेलप होते चले जाते हैं जिसकी मदद से बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी पैदा होती है कि वो ग्रामर का इस्तेमाल या लफ्ज़ों का इस्तेमाल मुख्तफ़ किस्म के लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है बेहतर तौर पर कर सके और यकीन पाँच साल की उम्र में जब वकेबलरी या अल्फाज का ज़ख़ीरा चालीस हज़ार के करीब होता है तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं होता क्योंकि एक एडल्ट के अंदर तकरीबन सत्तर हज़ार के करीब अल्फाज जो हैं वो मौजूद होते हैं ख़ास कर अगर उसने अंडर ग्रेजुएशन की हुई हो यकीन जिस वक्त बच्चा बालग हो जाता है तो उस सूरत में बच्चे की ज़बान की सलाहियत और बच्चे की ज़बान की पेचीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो चीज़ों को उनकी एबस्ट्रैक्ट फॉर्म में समझता है यानी गैरमरई चीज़ों को भी समझता अगर उसके सामने आप कहें मोहब्बत तो जो चौदह पंद्रह साल का बच्चा है वो मोहब्बत के मफहम को समझता है गो के मोहब्बत को छुआ नहीं जा सकता ये एक गैरमरई जज्बा है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात किसी पिछले ओवान में की थी वो ये भी समझता है कि किस तरह से लिखी हुई जबान या बोले हुए अल्फाज के अंदर छुपे हुए माने जो हैं वो क्या हैं बात एक की जा रही है लेकिन उसके पीछे जो उसके उसके छुपे हुए माने हैं वो 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 क्या हैं इसलिए वो पन को और साजम को और आयनी को बड़ी आसानी से समझता है जानता है कि जो 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 जो, जो जुमला बयान किया जा रहा है इसका एक तो ज़ाहरी मफहम है लेकिन इसका एक पीछे छुपा हुआ बातनी मफहम भी है जिसके अंदर ब किसी किस्म की लसानी चोट जो है वो पिन्हाए छुपी हुई है इसके साथ साथ वो फिग्यटिव लैंगवेज भी इस्तेमाल करता है प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करता है और और ये जानता है कि प्रोवर्ब्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं असल एक्शन की बजाय दूसरे एक्शन्स को जो कि बच्चा जो है इस इस दौरान सीखता है ज़ाहिर है ये बच्चा जो है इसकी ज़बान की साहित जो है तकरीबन उतनी ही होती है जितनी कि एक एडल्प की होती है ज़्यादा उसमें फर्क नहीं होता वो कौन कौन से अनासर हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से समेंटिक डेवलपमेंट लैंग्वेज में होती है इस काबिल हो जाता है इंसान के वो जबान को समझ सके पहली बात तो ये है कि एडल्ट फीडबैक जो है वो मिले बच्चा उसी वक्त जबान को समझता है जिस वक्त तो उसको कोई दूसरा ये कहता है कि तुमने सही चीज़ को समझ लिया या जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त है उसको समझ लो और अपने साथ नक्की कर लो उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो अपनी वर्किंग मेमोरी अपनी कैपेसिटी जो याददाश्त की है उसके अंदर जो उसका फोनोलॉजिकल लूप है उसको इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर महफूज कर लेता है ये एक और वजह जिसकी वजह से माने जो हैं लैंग्वेज के माने जो हैं उस पर खुलने शुरू हो जाते हैं इसके साथ साथ वो बहुत सारी स्ट्रैटीज़ इस्तेमाल करता है जैसे लेक्सिकल कॉन्ट्रास्ट है जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिवरी बायस है जैसे सिंथेटिक बूथ स्ट्रैपिंग है जैसे सोशल इंफॉर्मेशनर्स जिनको वो इस्तेमाल करते हुए इन स्ट्रेटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी लैंग्वेज को पहले से ज़्यादा बेहतर बना लेता है अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर बच्चे के अंदर काबिलियत तकरीबन आप ये देखें कि शुरू में जब बच्चा जुमले बनाना शुरू करता है तो वो असूल इस्तेमाल करता है ग्रामर के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जब बच्चा छोटा सा होता है दो दो सवा दो साल का होता है या इससे भी पहले डेढ़ साल का होता है तो वो अमूमन दो हरफ मिलाकर इकट्ठे जुमले जो हैं वो बनाने शुरू होते तो उसके उसके जुमले जो होते हैं वो पूरे नहीं होते उसके उनके अंदर वर्ब्स और एडवर्ब्स और उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह जो हैं उन जुमलों में मौजूद नहीं होती मसला वो कह सकता है गोकार मैं गाड़ी में जाना चाहता हूँ मुझे सैर के लिए लेके चलो या ईट आइसक्रीम इस तरह का लफज जो है वह बना लेगा जिसका मतलब है कि मैं आइसक्रीम को खाना चाहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के सेंटेंसेज़ के अंदर उसके जुमलों के अंदर दो की बजाय तीन लफ्ज जो है वो आने शुरू हो जाते हैं और अब वो कदरे ग्रामर के असूलों को इस्तेमाल करना शुरू क्योंकि शुरू में ये इस्तेमाल जो है ये पीस मील है रुक रुक के है टूटा फूटा सा है लेकिन बड़ी जल्दी ही बच्चा जो है वो ग्रामर के उन पेचीदा असूलों को सीखने में कामयाब हो जाता है कि जिससे वो उसकी ज़बान जो है एडल्ट लाइक बन जाती है सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चा सीखता है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर यानी पहले सब्जेक्ट आता है जुमले के अंदर फिर वो कुछ कर रहा होता है और फिर कोई जिस चीज़ के साथ वो कुछ कर रहा होता है वो होता है ये ऑर्डर अंग्रेजी जबान में और तरह से है उर्दू ज़बान में और तरह से है लेकिन बावजूद इसके बच्चा जो है इस ऑर्डर को सीखने में तैयार हो जाता है आया दो साल का बच्चा ऐसा कर सकता है मसलन अगर आप इस तस्वीर के को देखें या इस स्लाइड को देखें जिस जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया है इसके अंदर एक कार्टून की तस्वीर है जिसमें एक शख्स उसने अपने बदन पे बतख का लिबास पहना हुआ है और दूसरी तरफ वो एक दूसरा बच्चा है जिसने एक खरगोश का लिबास पहना हुआ है और जो बत्तख है वो खरगोश को ग्रोप कर रही है उसको खींचा तानी उसके साथ कर रही है गर्दन पे खास कर तो अगर ये जुमला बोला जाए द डक इज़ ग्रोपिंग द बनी अगर ये ये जुमला बोला जाए और दो साल के बच्चे से पूछा जाए कि इसका सब्जेक्ट ऑर्डर जो है या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर जो है वो किस तरह से है तो वो बच्चा जो है उस तरह से समझा नहीं सकता बता नहीं सकता कि इसका ऑर्डर जो है दुरुस्त है या नहीं है जैसे जैसे वक़्त गुजरता चला जाता है बच्चे में अहलियत पैदा हो जाती है खासकर बच्चा जब चार साल का हो जाता है तो उसको जुमले के अंदर ये कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट वर्ब ऑबजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है समझ आ जाती है और वो इसको इस्तेमाल करते हुए ज़बान का इस्तेमाल जो है वो करता है इसके साथ साथ बच्चा सिर्फ फोनोलॉजिकली यानी आवाज़ों के ज़ोर पर ही ज़बान को नहीं सीखता बल्कि माने के ज़ोर पर मॉर्फोलॉजिकली भी वो ज़बान को समझना शुरू कर देता है अमूमन जैसे जैसे स्ट्रक्चरल कंप्लेक्सिटी ज़बान की बढ़ती चली जाती है ये देखने में आया है कि उसके उसके पास काबिलियत पैदा हो जाती है कि वो उस स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर जबान के अंदर भी पेचीदगी को पैदा कर ले मसल चार साल का बच्चा जो है वो ओवर रेगुलेशन जो है जबान की कर सकता है ग्रामेटिक रूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं कि बच्चा कहे ही बिल्ड द हाउस तो बिल्ड जो है बी आई एल ई डी ई डी एक फॉर्म है जो कि इस बात की निशानदाही करती है कि जो उसने बच्चे ने घर बनाया या जुमले की कंस्ट्रक्शन में ऐसे है कि जो घर बनाया गया वो माजी में बना था तो ई जो है वो माजी को डिफ़ाइन जो है वो करती है अब ये एक रूल है जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में और उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जब भी किसी एक सीगे से दूसरे सीगे में जाया जाए या एक टेंस से दूसरे टेंस में जाया जाए तो हम लफ्ज़ों की शक्ल को तब्दील कर देते हैं ये 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 निशानदेही करने के लिए कि हम आँ किस आँ माजी के या मुस्तबिल के या हाल के सीघे के साथ हम बात कर रहे हैं तो बच्चा चार साल का बच्चा जो है इस काबिल नहीं होता कि वो एक्सेप्शनस जो हैं रूल्स की उनको भी इस्तेमाल कर सके वह तमाम लफजों के साथ लफज जो ई डी का लफज है वो लगाता चला जाता है क्योंकि वो सोचता है कि ई डी लगाने से जो लफज है वो रेफ़र करेगा माजी की तरफ या 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 पीछे की तरफ सो तो, ये बात समझ में आती है कि अगर हम ई डी का लफज इस्तेमाल करें जैसे वो अभी वो ये कहता है कि आई ही बिल्ट द हाउस तो वो वो उसी उसी नहज के ऊपर उसी तरह से वो एक जुमला कंस्ट्रक्ट कर देता है ही हिट द बॉल तो हिट इन द बॉल जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है हिट के लिए ईडी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती और बच्चा जो है वो गलती कर देता है और वो वो हिट इन द बॉल इस्तेमाल करता है सो so, वो ओवर रेगुलेशन कर देता है जबान की यानी असूल की का जो इस्तेमाल है उसमें जो एक्सेप्शन हैं उसको उसको मद्देनजर नहीं रखता और अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन जो है लैंग्वेज की करता चला जाता जब वो पाँच साल का होता है तो वो ओवर रेगुलेशन नहीं करता और जानता है कि एक्सेप्शन जो हैं जबान में मौजूद हैं ऐसी ऐसी मिसालें या ऐसी सूरतें मौजूद हैं जिसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म है वो बदल बदलती नहीं है बल्कि वही रहती है जिसकी वजह से वो जबान का बेहतर और सही इस्तेमाल जो है वो कर लेता है बच्चे के अंदर आ, ये सलाहियत मौजूद होती है कि जिस वक्त वो किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है जिसकी दूसरे के साथ बात करता है तो वो इस इस बात को पेश नज़र रखता है कि वो किस लेवल के ऊपर दूसरे के साथ बात कर रहा है इसमें बड़े भी और बच्चे भी हमेशा जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो आ, सोशल लेवल पर मुशरती सतह के ऊपर वो इस बात को परखते हैं और जांचते हैं कि किस तरह की बात जो है वो हो सकती है ये वो सोशल प्ले है या ये वो प्रैग्मैटिक प्रेगमैथिक हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो उसवा हो सकती है मसला अगर मैं अपने किसी दोस्त के साथ बात करूं जो प्रोफेसर हो तो उसके साथ जब मैं किसी स्कोलास्टिक या एकेडमिक गफ्तु में मुलविस हो जाऊँगा तो हमारी गुफ्तु का अंदाज़ जो है वो कुछ और तरज का होगा वो बहुत ज़्यादा दकीक और मुश्किल हो सकती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत गहरी तौर पर समझते हैं और हम अपने, अपने नजरियात को और उनकी तशरीहात को बहुत गहरे अंदाज से उन, उसके साथ बात कर सकते हैं इसलिए हमारा जो लेवल है वो मुख्तलिफ किस्म का है अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट से बात करूँगा तो मैं उस सतह के ऊपर बात नहीं करूँगा बल्कि मैं अपनी सतह को नीचे ले आऊँगा इस इस ख्याल के पेश नज़र मैं अपनी बात को अपने स्टूडेंट तक या अपने तलब इलम तक पहुंचा सकूं तो मेरा जो प्रैगमेटिक लेवल है या मेरी प्रैगमेटिक अंडरस्टैंडिंग है उस सिचुएशन की या वो रूल्स प्रैगमेटिक प्रैगमेटिक रूल्स उनको मैं चेंज कर यकीनन आप आपको मुशाह होगा कि जब आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो उसकी सतह पर पहुँच कर बात करते हैं आप उसके साथ किसी बड़े की तरह बात नहीं करते तो ना सिर्फ बड़े इस बात को समझते हैं और इन प्रैगमेटिक اصولوں کو आ, अपनी ज़बान के अंदर बुरुए कार लाते हैं बल्कि बच्चे में भी ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रैगमेटिकली बात कर सके जैसे वक्त तो वो अपनी हमजोलियों के साथ होता है तो वो बातों उसकी बातों के अंदर और तरह की समझ जो है वो मौजूद होती है जब वो बड़ों से बात करता है तो उसकी समझ और उसकी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलफ जो है वह हो जाता है अमूम दो साल का बच्चा जो है वो इन प्रैगमेटिक असूलों को ज़्यादा समझता नहीं इसलिए जब वो अपने दोस्तों और यारों के साथ बात कर रहा होता है तब भी वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि अपने माँ बाप के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तीन साल का चार साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी ज़बान में और तरह का चेंज आ जाता है जैसे ही वो अपने दोस्तों और हमजोली के दरमियान होता है तो वो और तरह से ज़बान को इस्तेमाल करता है बड़ों के साथ वो और तरह से जो है वो इस ज़बान को इस्तेमाल करता है हती कि जिस वक्त वो मिडिल चाइल्डहुड में दाखिल होता है यानी छः सात साल का होता है तो वो फिर जबान के अंदर शेड्स का इस्तेमाल करता है कि इस बात को अदा करने के लिए इस बात को कहने के लिए मैं कौन सा लफ्ज जो है वो मुनासिब तौर पर इस्तेमाल कर सकता यानी उन, उन उन अल्फाज वो उन अल्फाज़ का इस्तेमाल करता है जो कि मौका महल के मुताबिक होते हैं जो कि ऐसी कंडीशन ऐसी सूरत से होते हैं कि उनको इस्तेमाल करते हुए वो एक सोशल रिलेशन जो है उसको उसबार कर सकता है अपने साथियों के साथ बात करने का अंदाज़ और होता है अपने से बड़ों का अपने साथ के साथ बात करने का अंदाज जो है वो और होता है जाहिर है ये अमल चलता चला जाता है और बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वो वही प्रेगमेटिक रूल्स जो हैं सीखना शुरू कर देते हैं जैसे कि बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बड़े लोग जो होते हैं वो बड़ी ही आ, आ, दकीक और मुश्किल सूरत से इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं और सीखते हैं जाहिर है इसका इस इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो आपके माहौल से होता है और अगर आपको मौाक़े मिले हों और आपको ज़बान सीखने के चांसेस मिले हों तो आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाती है कि आप जबान को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप आपको ऐसे मौके या ऐसा माहौल जो है वो मैसर नहीं आया जिसके अंदर ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा ना हुआ हो तो आपकी ज़बान जो है कदर सदा रह जाती है और आप सादा लॉ कहलाते हैं चाहे आप बड़े क्यों ना हो जाएं जिस वक़्त बच्चा बड़ों के साथ बात करता है और इन प्रैगमेटिक اصولوں को सीखने की कोशिश करता है तो अमूमा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन प्रैगमेटिक اصولوں को सिखाने में मददगार साबित होती हैं मसलन पहली चीज़ है कॉन्वर्सेशन जितनी ज़्यादा गुफ्तु बच्चा बड़े के साथ करेगा तो तू तू उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी इसके साथ साथ वो किताबों का सहारा भी लेता है ज़बान को बेहतर करने के लिए या असूलों को सिखाने के लिए जो बच्चा है वो जब किताबों को पढ़ता है तो बतदरीज उसकी ज़बान की एहलीत में तब्दीली आती चली जाती है और उसको ज़बान जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आनी शुरू हो जाती है इसके साथ साथ ना सिर्फ बड़े बल्कि उसके भाई बहन उसके दोस्त और उसके आ, आ, साथी जो हैं वो भी उसको इन प्रैगमेटिक असूलों में या सीखने में मदद जो है वो देते हैं। उसके बाद बच्चा जो है वो इसकाबिल हो जाता है ख़ासकर जब वो तकरीबन चार साल की उम्र का होता है कि वो खुद से नरेशन खुद से बयान दे सके नरेटिव जो हैं वो उनको दे सके तो आप देखते हैं कि चार साल का बच्चा जो यूजली प्री स्कूल जाता है वो खड़ा होकर बड़ी आसानी के साथ बात कर सकता है अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए एक बयान जो है वो ये बता सकता है कि आज स्कूल में प्री स्कूल में क्या हुआ हम जा रहे थे और हमारे दोस्त आ रहे थे और फिर आ, पानी का गिलास एक मेरे दोस्त ने मांगा और जब उसने गिलास पकड़ा तो उसके हाथ से गिलास गिर गया तो ये पूरा बयान जो कहानी है ये चार साल का बच्चा बड़े लंबे अंदाज से शेड्स के साथ बयान कर सकता है फिर जैसे वो साढ़े चार और पाँच साल का होता है वो इन नैरेटिव्स के अंदर टाइम को डालना शुरू कर देता है यानी वो कहानी को बयान करता है इस ख्याल के पेश नज़र कि पहले क्या हुआ, क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ और उसका नतीजा क्या निकला तो एक कहानी है जो तसलसल के साथ पेश की जाती है जिसके अंदर क्रोलोलॉजिकल डिविजन जो है वो मौजूद होती है उसके बाद छः साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो क्लासिकल नरेटिव्स या ऐसा बया बयान करते हैं जो कि अमूमन बड़ों जैसा स्टाइल जो है उसकी अक्कासी करता ये है ये शुरुआत है कि क्लासिकल नेटिवस जो हैं वो किस तरह के होते हैं और यकीन छः साल की उम्र के बाद सात साल की उम्र के अंदर उसका स्टाइल जो है वो बहुत हद तक बड़ों की तरह का हो जाता है जिसमें नैरेटिव्स के अंदर टॉपिक्स टॉपिक्साना को मद्देनज़र रखा जाता है उसके अंदर बात की जाती है ऑर्डर की उसमें बात की जाती है टाइम की और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको मद्द नज़र रख के नरेटिव को बयान किया जाता है इस जमन में हाइकू स्टाइल की नरेशन जो है वो काबिल ज़िक्र है हाइकू जापान की एक नज़्म की फॉर्म है जिसके अंदर पाँच मसरे होते हैं पहला मिसरा और आखिरी मिसरा एक जैसा होता है और बाकी तीन मिसरे उसके अंदर किसी तौर पर मदगम जो है वो किए जाते हैं तो हाइकू की जो फॉर्म है वो दरअसल बयानिया या नैरेटिव के लिए या नरेशन के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती है ये एक तरह से बच्चों को मश्क दी जाती है जो स्कूल में जाते हैं अमूमन प्री स्कूल के बच्चे या आ, पहली जमात के बच्चे फर्स्ट ग्रेडर्स या सेकेंड ग्रेडर्स को ये प्रैक्टिस देने के लिए उनको ये दिया जाता है था कि वो किसी न किसी तौर से नरेशन को समझ लें बेहतर तौर पे समझ लें क्योंकि ये तजर्बाती किस्म की का की मश्क होती है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो नरेशन को समझ कर इस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं इसी इसी जिमन में इसी तरह से ये हाइकू जो है ये इस तरह के स्टाइल जो है ये मदद देता है इंसान को इस बयान के अंदर इस बयानिया के अंदर कि बच्चा जो है मश्क करके अपनी ज़बान को बेहतर तौर पर समझ सके और दूसरों के सामने इसका इस्तेमाल जो है वो कर सके इसके साथ साथ स्पीच रजिस्टर्स एक ज़रूरी ख्याल है जिसकी मदद से बच्चे जो हैं वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल बेहतर तौर पर कर सकते हैं यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग इन स्पीच रजिस्टर्स की वजह से बेहतर होती है मसलन सोशल रूटीन्स हर रोज़ क्या होता है कि मैं हर रोज़ सुबह नाश्ता करता हूँ और बस्ता में किताबें रखता हूँ और फिर स्कूल की तरफ चला जाता हूँ एक सोशल रूटीन है जो रोजमर्रा होती चली जाती है इसके साथ एसोसिएटेड जितने आ, अल्फाज या वाकयात हैं वो इसके साथ बंधे हुए होते हैं किसी तौर से बंधे हुए होते हैं और उन अल्फाज आ, का चुनाव या वो जो अल्फाज जो इन सोशल रूटीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नरेशन का भी बायस बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग का भी बायस बनते हैं जो बच्चे के अंदर होता है बच्चा जो है इन सोशल रूटीनस में बहुत सारी चीज़ें सीखता है मसलन जैसे पोलाइट लैंग्वेज जो है वो सीखता है आ, बड़े उसको आदाब सिखाते हैं कि आ, बड़े के साथ कैसे बात करना है छोटे के साथ कैसे बात करना है ये रूटीन् एक तरह से स्क्रिप्ट तैयार करती है बच्चे के लिए जिसके अंदर वो लैंग्वेज को समझना शुरू कर देता है अमूमन सोशल स्क्रप्ट या पोलाइट लैंग्वेज या सोशल रूटीज या स्पीच रजिस्टर्स जो हैं ये चार से सात साल की उम्र में शुरू होते हैं और फिर बतदरीज आगे को बढ़ते चले जाते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो इम्पॉर्टेंट है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए क्योंकि जब तक बड़े बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश ना आए और छोटे जो हैं उनका उनका अदब आदाब ना रखें तो आपस में जो गुफ्तु है उसके होने का इम्कान जो है वो कम हो जाता है यानी बदलहाज़ बच्चों के साथ बड़े जो हैं उस तरह से बात नहीं करते जैसे कि खुश लिहाज बच्चों के साथ करते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं इन सोशल रूटीन्स को सीख लें ना सिर्फ सीख लें बल्कि अपनी जबान को उसके मुताबिक ढाल लें यानी एक तो नॉन वर्ब मूवमेंट्स हैं जो बच्चा जो है अदा करते वक्त बड़ों के सामने जिस तरह से बिहेव करना है वो करता है उसके साथ साथ जबान का इस्तेमाल भी वो कुछ इसी तौर से करता है या करना है उसको चाहिए आखिर में हम बात करेंगे मेटर लिंग्विस्टिक अवेयरनेस की बच्चा खासकर जब पाँच साल का हो जाता है तो उसको जबान का ना सिर्फ़ ज़ाहरी एहसास हो जाता है या उसके माने उसको समझ आने शुरू हो जाते हैं बल्कि ज़बान के बातनी माने भी उसको समझ आने शुरू हो जाते हैं मैं जब छोटा सा था तो एक दफ़ा एक हमारे जानने वाले थे वो अपने बच्चे को अपनी नानी से मिलवाने के लिए जा रहे थे अब वो जो बच्चा था वो पाँच साल का था और जब उन्होंने ये ज़िक्र किया कि वो गाड़ी में बिठा के अपनी अहलिया को और अपने बच्चों को नानी के यहाँ जाएंगे तो आ, उन्होंने जो जुमला अदा किया कुछ वो कुछ इस तरह से था कि चलिए आज चलते हैं तो नानी को मिलाते हैं चल के लेकिन अंदर से उनकी तबीयत इस बात की तरफ मायल नहीं थी कि वो नानी को जाके मिलें तो वो जो पाँच साल का बच्चा था वो ताड़ गया और उसने अपने वालिद को कहा कि दरअसल तो आप अंदर से चाहते हैं कि आप उनसे जाके ना मिलें क्योंकि आपको वहां जाकर कोफ्त होती है और आप आप उन, उनसे उनसे मिलना नहीं चाहते तो दरअसल वो जबान के ना सिर्फ ज़ाहरी मान समझ रहा था जुमले को कि वो जाना चाह रहे हैं लेकिन वो अपने बाप की अंदरूनी कैफियत को भी जान रहा था उस जुमले के अंदर कि जो बाप है वो दरअसल जाना नहीं चाहता तो ये मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस जो है पांच साल की उम्र में बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है ये ये बच्चे को ये एहसास दिलाती है कि जो जबान है वो बायदा एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अब ये मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस तकरीबन बीच बचपन के अंदर मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बहुत ज़्यादा जाके पनपती है और फ्लावर करती है और उससे बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करता है या रखता है बातनी मफहम के बारे में जो कि ज़बान के अंदर शामिल होते हैं मेटल लिंग्विस्टिक अवेरनेस के अंदर बच्चे जो हैं उनमें ये काबिलियत पैदा हो जाती है कि वो जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो ना सिर्फ उनके जाहरी मफ़ूम को समझ सकते हैं बल्कि उनके बातनी मफहम को भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं ये एबिलिटी बाईल बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है वो बच्चे जो दो जबाने जानते हैं आ, दो जबान पढ़ते हैं या दो जबानों को बोल सकते हैं आ, हमारे पाकिस्तान में अक्सर बच्चे जो हैं वो दो बल्कि तीन तीन जबानें जो हैं वो बोलते हैं पढ़ते हैं और समझ सकते हैं मसल बच्चे जो हैं उनमें ये काबिलियत होती आ, आ, है कि वो उर्दू पंजाबी और अंग्रेज़ी बोलते हैं या सीखते हैं क्योंकि वो पंजाब में रहते हैं और अगर वो बलोचिस्तान में रहते हैं तो वो बलोची और उर्दू और अंग्रेज़ी वो भी तीन जबान तो ये उन बच्चों के अंदर ये काबिलियत आ, आ, बहुत ज़्यादा होती है कम्पेयर टू जिन्होंने सिर्फ़ एक ही ज़बान सीखी उनके अंदर ये एबिलिटी जो है इतनी मौजूद जो है वो नहीं होती आइए हम अपने आज के वान की समरी कर लें और देखें कि हमने किन किन मौजूद उन पर बहस की है पहली चीज़ जो हमने जिसके बारे में बात किया वो ये की है कि जबान जो है दरअसल बुनियाद बनती है माहौल में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ की यानी बड़ों के साथ अपने माँ बाप के साथ अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक उसवा होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो जबान का अगर ज़बान नहीं आएगी तो आपका ताल्लुक जो है आपकी बात जो है वो दूसरों के साथ हो नहीं पाएगी और आप उस चीज़ को आप भरपूर अंदाज से बयान जो है वो नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ ज़बान का क्रिएटिव एस्पेक्ट है यानी हर वक्त ज़बान जो है वो जिद्दत और नुदरत जो है वो पेश करती रहती है एक एक क्रिएटिविटी है जो जबान के साथ जुड़ी हुई है आप जब भी कोई जुमला बनाते हैं वो पिछले जुमले के साथ मिलता नहीं है इसलिए वो जिद्दत जो है वो मौजूद रहती है बच्चे जो हैं वो ज़बान को किस तरह से सीखते हैं हमने ये एक तसलसल देखा और दो साल के बच्चे से लेकर जब तक कि वो बलूगत को पहुंचता है किस किस तरह की चेंजेस जो हैं वो बच्चे के अंदर पैदा होती हैं हमने ये भी देखा कि अवाइल के ज़माने में शुरू के ज़माने में बच्चे के अंदर ज़बान जो है सादा होती है और उसके अंदर ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है ज़बान के अंदर पेचीदगी जो है वो बढ़ती चली जाती है मैं इसके साथ ही आज के उनवान को यहाँ ख़त्म किए देता हूँ एक और उनवान के साथ एक और मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़